नमस्कार पंजाब के लिए आपका स्वागत है। मैं प्रणाम सिंह के आज करनाल के रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आज विकलांगों को वैक्सीनेशन टीका लगाया जा रहा है, वैक्सीनेट किया जा रहा है। विकलांग यहां पर पहुंचे हैं, जैसा कि पांचवे बार से जानकारी मिली कि लगभग 1200 विकलांग से लगभग सैकड़ों जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं और अब उनको इंजेक्शन, वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर सभी वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाने के लिए आए हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी जिला प्रशासन की तरफ से यह सुविधा दी जा रही है। अभी हम बात करेंगे जो कि यहाँ पर विकलांग पहुँचे हैं, दिव्यांग, जिनको टीका लग चुका है और यहाँ पर उनको कैसा लग रहा है, फिलहाल उनसे भी जानते हैं। सर क्या कहेंगे, जो आज इंजेक्शन लगाया गया है कितना ठीक है? आज हमने ये इंजेक्शन लगवाया और इसमें हमने देखा कि ये जैसे लोगों से सुना था भाई इसमें दर्द होता है या मान लें इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ना तो कोई दर्द है, ना पीड़ है, ना कोई मतलब किसी प्रकार का कोई, जो लोगों के मन में डर बैठा हुआ है कि इससे बुखार हो जाता है, इससे मतलब शरीर अकड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी वैक्सीन लगवाया, हमने इसमें कोई ऐसा दर्द महसूस नहीं हुआ। और मैं हरियाणा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, मैं जो विकलांग कल्याण अधिकार समिति का प्रदेश उपाध्यक्ष रणबीर पंचाल मोड़ी जागीर से हूँ। मैंने भी आज वैक्सीन लगवाई है और इसमें हमने देखा कि तो कितने के विकलांग अपने जिले में पेंशन ले रहे हैं, हजारों की संख्या में? कम से कम भी 10 लाख के करीब विकलांग है हमारे प्रदेश में, पूरे हरियाणा में 10 लाख के करीब विकलांग हैं। तो यहाँ पर करनाल में ऐसी शुरुआत की गई है, तो इसको क्या कहेंगे, अच्छी शुरुआत है? करनाल में ये बहुत अच्छी शुरुआत की गई है जिला प्रशासन की तरफ से और सभी विकलांगों को अच्छे से वैक्सीन लगाया गया। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी विकलांग हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। आप देख रहे हैं कि जो विकलांग हैं, महिला यहाँ पर आए हैं, उनको इंजेक्शन लगा, क्या कहेंगे जी, आपको इंजेक्शन लग गया? इंजेक्शन मैंने पहले लगा था। हैं जी, क्या कहेंगे, ये अच्छी पहल है जो? हाँ जी ठीक है। आपने कोई दिक्कत है? नहीं। आम लोगों को क्या कहेंगे? ठीक है इंजेक्शन? इनका पैर का भी नाप लिया, इन्होंने आज पैर का भी नाप लिया, यहाँ पर इंजेक्शन लगवाया, कोरोना इंजेक्शन लगवाने के बाद अब यहाँ पर ये पहुँचे हैं। बाहर उनका कहना है कि टीका बिल्कुल सेफ है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सर क्या कहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अजय भाटिया, दिव्यांग कल्याण केंद्र। आज इनका माता जी का एक तो टीकाकरण हो गया, दूसरा ये इनका पैर की अम्पुटेशन थी, एक्सीडेंट की वजह से इनका पैर कटा हुआ था। अच्छा। तो आज वो भी नाप ले लिया गया। अच्छा। तो इनको पैर भी इनको जल्दी से जल्दी बना के उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्या कहेंगे, आज दिव्यांगों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है? दिव्यांगों को यहाँ पे पहले ही सुविधा थी कि दिव्यांग कल्याण केंद्र में हम कृत्रिम अंग, कैलिपर, बैसाखियाँ, सर्जिकल जूते, सहायक उपकरण देते रहते थे समय समय पर। आज एक और पहल करते हुए दिव्यांगों की सेवा में टीकाकरण का भी अभियान शुरू किया है ताकि सबको एक ही छत के नीचे जो है ये टीकाकरण करवाया जाए। कितने दिव्यांग हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ पे आज 100 के करीब दिव्यांग आ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट डोज जिनको लग चुकी थी वो 25 ऐसे निकले हैं, 60 के करीब हमारे जो है दिव्यांग टीका लगवा चुके हैं। तो हजारों की संख्या में होंगे यहाँ पर दिव्यांग, तो जो जिनको लगवाए वैक्सीनेट की जरूरत है? नहीं, काफी लोग दिव्यांग ऑलरेडी लग चुका है, हमने क्योंकि फोन पे संपर्क उनसे कर रहे हैं। अच्छा। तो उनमें काफी लोगों को लग चुका है, जो भी बकाया है, हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा दिव्यांग ना रहे जो टीका से अछूता रह जाए। अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। आप देख रहे हैं कि जो भी दिव्यांग है उनको वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया जा चुका है और यहाँ पर उनको आधा घंटा रेस्ट करने के लिए बिठाया गया ताकि किसी प्रकार की कंप्लेन हो, कोई कंप्लेंट हो, कोई दिक्कत हो, उसके लिए वो यहाँ पर बैठे इंतजार कर रहे हैं। इंजेक्शन उनको लग चुका है और ये एक अच्छी पहल है जिला प्रशासन की, रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से अच्छी पहल है। और दिव्यांगों को इंजेक्शन लगा करके अब इनको कहीं ना कहीं इनके जीवन को सुरक्षित बनाना, कोरोना को मात देने की एक अच्छी पहल है। करनाल से केसी आ रही है पंजाब केसरी टीवी।